उसके बाद एक मॉब ने वकील के कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। अच्छा। इस दौरान गेट में कितनी देर अंदर थे, कितना अंदर बस घुसे ही, घुसे ही, ठीक है, एकदम घुसे ही थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक तैयारी में बैठे हुए थे कि जिन्हें आएगा अटैक करें, क्योंकि जो लोग पीट रहे थे ना उसमें से कुछ लोग और लोगों को बुला रहे थे। अच्छा। आ गया इस तरीके से। और पूरे रास्ते में गाड़ियाँ गिर गई, कभी मैं गाड़ी पे गिर गया। और वो जो जहाँ से जब हम कोर्ट एंट्री करते हैं वो जो मशीन होता है उसके दौरान जब धक्का देकर के मुझे अंदर किया जाता है, मेरा पैंट खुल गया, उसके बाद मेरे टी शर्ट, मेरे चप्पल खुल गए, मेरे पैर में इंजरी, मेरे पेट में लात से घुसे से एक आदमी से छूट रहा हूँ दूसरा आदमी। कितने आप चिंता मत करो, क्या हुआ सर? पुलिस मुझे लेकर के आई तो सबसे पहले गेट पे इधर से आ रही थी, आई डोंट नो द नंबर, गेट के पास पहले मीडिया वालों ने घेर लिया। अच्छा। पुलिस ने उनसे मुझे बचाते हुए जो ही गेट के अंदर लेकर के आई, उसके बाद एक मॉब ने वकील के कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। अच्छा। इस दौरान गेट में कितनी देर अंदर थे, कितना अंदर बस थे? घुसे ही, ठीक है, एकदम घुसे ही थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक तैयारी में बैठे हुए थे कि जिन्हें आएगा अटैक करें, क्योंकि जो लोग पीट रहे थे ना उसमें से कुछ लोग और लोगों को बुला रहे थे। अच्छा। आ गया इस तरीके से। और पूरे रास्ते में गाड़ियाँ गिर गई, कभी मैं गाड़ी पे गिर गया। और वो जो जहाँ से जब हम कोर्ट एंट्री करते हैं वो जो मशीन होता है उसके दौरान जब धक्का देकर के मुझे अंदर किया जाता है, मेरा पैंट खुल गया, उसके बाद मेरे टी शर्ट, मेरे चप्पल खुल गए, मेरे पैर में इंजरी, मेरे पेट में लात से घुसे से एक आदमी से छूट रहा हूँ दूसरा आदमी। कितने पुलिस आपके साथ थे उस वक्त, उस समय कौन पुलिस, कौन पुलिस आपके साथ पहचानते हो? हम मेरे साथ जो पुलिस थे उनको भी पिटा, कितने पुलिस उनकी भी पिटाई हुई, पुलिस की भी। तो फिर किसने बचाया, बचाया क्यों नहीं किसी? पुलिस वाले को सर, उसके पीछे में वो जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट से है जो एस्कॉर्ट करके आ रहा था, कर रही थी, अगर पुलिस वाला भी लाठी चार्ज क्यों नहीं मार रहा था तो क्या कर रहे थे? आपकी जिम्मेवारी नहीं है पुलिस को भी ब्लेड लगाया ऐसे आप बोले? हाँ, एक और एक लड़के ने हमें कुछ नहीं लगा होगा, अरे छोड़ो ना तुम, पुलिस को भी जो है तीन दिन से तमाशा बना रखा है आप सब। वो जो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे उनकी पिटाई हुई है। और जो रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई रिकॉर्ड कर रहा था ये? नहीं। अच्छा, और आगे बढ़े तो बाकी वहाँ और पुलिसमैन भी थे उस समय? पुलिसमैन थे सर, एक मॉब था, मॉब था और साथ पुलिसमैन भी तो थे आसपास, पुलिस वाले थे, वो लोग क्या आसपास पुलिसमैन थे, वो क्या कर रहे थे? वो तो सर मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा था ना, मुझे तो गिरा दिया था, मुझे पीट रहे थे लात से घुसे से, ठीक है, पेट में, चेस्ट। आप सुन रहे हो ना ये सब सर? तो दैट मींस द पुलिस वाज अराउंड देयर एंड दे डिड नथिंग। नाउ आई वांट यू टू फाइंड आउट हु दोस पुलिस ऑफिसर्स आर हु वर पोस्टेड देयर एंड यू गिव अस द नेम एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जस्ट अंदर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो गेट तक जो है ना घुस गया है, उसमें से एक आदमी जो है वो चेज करते हुए ये सामने वाले कमरे में घुस जाता है। अच्छा। और पीछे जाकर के बैठ जाता है। मैं जो है कहता हूँ अपने जो हमारे टीचर हैं कि सर ये आदमी मुझे पीट रहा था। अच्छा। फिर जो है पुलिस जो है उस आदमी को पूछती है कि आप कौन है, तो रिप्लाई में कहता है कि तुम कौन हो, अपना आईकार्ड दिखा। इस तरीके से पूछता है, फिर कुछ थे मतलब, मुझे बाद में पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑफिसर है, उनको कहने के बाद जो है हाई कोर्ट के उनको कहने के बाद वो जाता है, पुलिस को तो वो कुछ नहीं, और पुलिस के सामने से वो आदमी निकल गया, कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं कुछ किया। नहीं, सामने से निकल गया, उसको वहीं पे पकड़ा जा सकता, पुलिस ने उसको, मैंने कहा कि आदमी सर मुझे पीट रहा है, इस आदमी के ऊपर मुझे आपको मालूम है कि किस पुलिसमैन ने आपको कहा था? इस आदमी के मेरे साथ जो खड़े थे सर, आपके साथ जो कौन खड़े थे आप पहचान सकते हो? हाँ, मैंने उनको कहा है, पहचान सकते हैं अभी यहाँ से, पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं उनको, कौन है उनका जो है, हमारी जो वकील आई है ना वृंदा, वो पूछी है कि आपका नेम प्लेट क्या है, आप इसको एस्कॉर्ट करें, मेरा हाथ वो पकड़े हुए, वो बोले कि धक्का मुक्की के दौरान मेरा नेम प्लेट गिर गया, उनको भी मैंने कहा है, हमने उनको कहा कि इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन करना है मुझे, ये मुझे पीट रहा था, आई कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि
वो पहला आदमी था ना जो गेट के पास ही मुझे अटैक किया था, मैंने उसको देखा था. सी हिज सेफ्टी इज योर रिस्पांसिबिलिटी. इफ एन इफ अ सिंगल हैंड इज नाउ ऑन हिम फिर क्या हुआ. वी विल मूव फॉर योर सस्पेंशन स्ट्रेट अवे. लेट्स बी वेरी क्लियर मिस्टर. पेट में कोई लात. डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस. दिस इज अनबिलीवेबल. बाहर वाले हां राइट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली. हां पेट. Don't follow. So you are now under Supreme Court's orders, not Commissioner Basi's orders. Let's be very clear about it. इसके साथ साथ वो बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है. तो ये बस खड़े हुए हैं. साफ़ साफ़ मेंशन कर दिया है. No, no. TV showed in the afternoon. I don't know. Somebody else beaten up today. Lawyer or not, but what they are saying, I think they are highly politically motivated persons. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इधर आए. हाँ इधर अंदर आ गए. फिर हाँ, जो है मुझे बिठाया गया. हाँ, लॉयर आई मेरे साथ, मेरे वकील ये प्रोफेसर साहब थे. हाँ, उसके बाद उन्होंने पानी पिलाया. उसके बाद हम लोग थोड़ा बैठे, शांत हुए. फिर जो है मेरी लॉयर ने पूछा कि इसका चप्पल कहाँ है, इसके कपड़े कैसे फटे. उसके बाद जो है फिर पुलिस को जो है जवाब मांगा कि कैसे आप कोर्ट प्रिमाइस में आपके रहते हुए ये पिट रहा है. उसके बाद मैं आया हूँ, मैंने जज साहब को कहा है. तो जज साहब ने कुछ नहीं किया? जज साहब को मैंने यही कहा कि सर मैं पहली बार जब आपके कोर्ट में आया था मेरे साथ चार लोग थे, कोई अटैक नहीं हुआ था सर. नॉर्मली मैं प्रोड्यूस हुआ था और पूरा नरेट किया था इंसिडेंट. मैंने कहा था जज साहब को कि सर उस दिन मेरे पास कोई लॉयर नहीं था, आप याद कीजिए उस दिन. मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं इस देश का एक नौजवान हूँ, मैं JNU में पढ़ता हूँ, PhD करता हूँ. और ऐसे नहीं, ऐसे मुझे नहीं. जो है अरे हम तेरे साथ हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बोल करके कि ये देशद्रोही है, मीडिया मेरा ट्रायल कर रही है. और पूरी मीडिया नहीं कर रही है, सिर्फ मैं. डोंट वरी, अब उसको छोड़ो बेटा. उसके बाद उसको छोड़ो. जब आपने आज जज साहब को बताया, तो जज साहब ने क्या किया? कि सर देखिए ये इतना हाईलाइट हो चुका है कि आज मैं आपको पहले दिन कहा था कि आई हैव फुल फेथ इन माय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई वो ठीक है, आप बताओ जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं. उन्होंने मेरी लॉयर ने कहा कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. जज साहब ने ये कहा कि आप बाहर ले जाएंगे तो फिर अटैक हो सकता है. उन्होंने ये रिप्लाई किया. तो मैं यहीं पे जो है डिस्पेंसरी से इसका इलाज कर रहा हूं. हमने ये कहा, हमने कहा कि सर आप नोट कीजिए, आप नोट कीजिए कि मैं दहशत में हूँ, मैं डरा हूँ, मैं आपके कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस हो सकता. आप रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू टेक ऑल दीज फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड. He was a little reluctant, so we said he'll make a statement, which is what he was writing just now, and that will come on record. अच्छा उसके बाद कोर्ट के अंदर अटैक हुआ? For his protection in this room, नहीं we are very concerned there also. They tried. उस रूम का बताओ. वो आदमी ने किया कोशिश मेरे साथ, मेरे सर थे और जो चश्मे वाले थे वही आदमी इस रूम में घुसा है. और वो आदमी बैठ करके वो प्लान में था मेरे साथ कुछ जरूर करता, क्योंकि जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है और वो मेरे साथ जिस तरीके से मतलब बाहर कोई अरेंजमेंट नहीं था, गेट पे कोई अरेंजमेंट नहीं था, अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं था, यही उससे साबित होता है. एक मिनट, व्हाट टाइम वाज दैट? दिस हैज हैपेंड बिटवीन 2:30 एंड सो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर वाज इट कम्युनिकेटेड टू पुलिस? यस यस, दैट्स इंपॉर्टेंट. कॉपीज ऑफ द ऑर्डर. ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड वी वर फ्रिस्ट. हाउ डिड दैट लॉयर कम इन, दैट मैन कम इन? आई डोंट नो हु ही इज. पुलिस वाले नहीं. आई थिंक दैट्स वेरी सीरियस. इफ दे न्यू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ऑफ कोर्स दे न्यू अबाउट इट. वी मस्ट इस तरह के वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ.